नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए चाहिए हमें हरी धनिया जो हमने एक बाउल ली है, मूंगफली के दाने, हरी मिर्च तीन ली है हमने और उसको बारीक काट लिया है, हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी लिया है, नमक स्वाद अनुसार, दलिया दाल ली है, हाफ हमने नींबू लिया है, ये डाली हमने हरी धनिया, हरी मिर्च, दलिया दाल, मूंगफली के दाने, नमक, और ये जो हमने नींबू लिया था इसके बीज हमने निकाल लिए हैं। ये डाला हमने नींबू, और ये थोड़ा सा पानी ताकि ये मिक्सचर में मूंगफली के जो दाने हैं वो अच्छे से क्रश हो जाए। हमने इस सब को क्रश कर लिया है, देखे एकदम बारीक कट करना है। बीच बीच में आप देखते जाइए कि इसमें पानी चाहिए तो आप डालिए, अगर नहीं चाहिए तो मत डालें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें ज्यादा पानी ना हो जाए। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये हरी चटनी को आप ढोकले के साथ खा सकते हो, फाफड़े के साथ खा सकते हो, और आपको जो पसंद आए उसके साथ खाइए। हरी चटनी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल में जरूर भेजे, और मेरी चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।